क्या एडवाइस करते हैं यंग लॉयर्स को इस प्रोफेशन को जो ज्वाइन कर रहे हैं, और स्पेशली यंग स्टूडेंट्स को जिस वक्त इस लॉ की स्टडी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आगे जाके इसका हिस्सा बनना है, तो क्या वो एडवाइस करना चाहेंगे आप? बहुत से लोग हैं जो कि टेलीविजन के मुख्तलिफ ड्रामे देख के तो वकील बनने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कोई अच्छी सी कोई टेलीविजन सीरीज देखी और उन्होंने कहा ये तो बड़ा ज़बरदस्त है, सब लोग सूट पहन के घूमते फिरते हैं और कमाल की बातें करते हैं और वकालत का प्रोफेशन अच्छा है और हमें करना चाहिए। अगर आप इस वजह से वकालत कर रहे हैं तो ना करें। अगर आप इस वजह से वकालत कर रहे हैं कि ये बड़ा ग्लैमरस प्रोफेशन होगा तो ना करें। अगर आप इस वजह से वकालत करना चाहते हैं कि इसके अंदर पैसे बहुत ज़्यादा बनेंगे इवेंचुअली और बहुत से लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाया, लोगों को बड़ा रिस्क मिला इससे, तो ना करें। अगर आप इस वजह से वकालत करना चाहते हैं कि इसकी वजह से आपका मुल्क में नाम होगा और बड़ा आपको सराहा जाएगा तो ना करें। आप इस वजह से वकालत करना चाहते हैं कि आपका इसकी वजह से मीडिया के ऊपर भी चेहरा होगा और दीगर चीज़ें होंगी तो ना करें। वकालत करने की मेरे ख्याल में सिर्फ एक रीज़न है और बाकी तमाम चीज़ें उसकी एंसिलरी हैं। आपके पैसा बन जाए और शोहरत मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये वजह नहीं है वकालत करने की या इस प्रोफेशन में आने की। लॉ इज़ दी ओनली प्रोफेशन, वकालत सिर्फ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो बाकी तमाम प्रोफेशंस को ठीक कर सकता है। वकालत, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप बड़े अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अगर आप इंजीनियर हैं तो अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं तो अच्छे हो सकते हैं, सियासतदान हैं तो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो इंजीनियर को ठीक नहीं कर सकता, जो इंजीनियर है वो ब्यूरोक्रेट को ठीक नहीं कर सकता, जो ब्यूरोक्रेट है वो जुडिशरी को ठीक नहीं कर सकता, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वकालत का एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, जिसके पास ये हुनर है कि वो तमाम प्रोफेशंस को ठीक करें। अगर आपको एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का नहीं ठीक लगता तो आप सुबह रिट फाइल करते हैं और अदालत के थ्रू, वकालत के थ्रू आप उसको ठीक करवा सकते हैं, उसमें बेहतरी ला सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं पसंद तो आप नई लेजिस्लेशन लिख के ले जाएं पार्लियामेंट के पास, आप उसकी रैली करवा सकते हैं वकालत के अंदर। अगर आपका ख्याल है कि डॉक्टर्स मैल प्रैक्टिस करते हैं तो बाकी सब लोग तो उसके बारे में सिर्फ बात कर सकते हैं, आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, आपके 1, 2, 3, 4 केसेस की वजह से मैल प्रैक्टिस लॉ बन सकता है और लोगों की उसमें बेहतरी हो सकती है। अगर आपका ख्याल है कि यहाँ पे पुल ठीक नहीं बन रहे तो आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। अगर आपका ख्याल है कि जुडिशियल स्ट्रक्चर नहीं ठीक तो आप उसके कानून को इम्प्यून कर सकते हैं। अगर आपका ख्याल है ब्यूरोक्रेट्स ठीक नहीं काम कर रहे, आप सिविल सर्विसेज एक्ट की इन्फोर्समेंट की रिट फाइल कर सकते हैं। चले रिट ना फाइल करें, अमेंडमेंट्स प्रपोज कर सकते हैं, आइन के अमेंडमेंट्स प्रपोज कर सकते हैं। वकालत सिर्फ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो बाकी तमाम चीज़ों को ठीक करे। जो भी चीज़ आपको बॉदर करती है इस मुल्क के बारे में, अगर आपका ख्याल है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा हैं और ये बच्चे हमारी सड़कों के ऊपर भिखारियों की तरह फिर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, कानून मौजूद है, आप उसकी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर आपका ख्याल है कि हमारे हेल्थ केयर अस्पताल ठीक नहीं है, कानून मौजूद है, आप उसे इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। दिस इज़ दी ओनली रीज़न जो कि आपको वकालत करनी चाहिए। सच्ची बात यह है और हमें इसका एहसास होना चाहिए कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर बार अमानत बहुत ज़्यादा है। कुरान मजीद में भी ये बात है कि इंसानों के को हमने बार अमानत दिया और उन्होंने उठा लिया, हमारे ऊपर बार अमानत बहुत ज़्यादा है। हमारे प्रोफेशन को एक ऐसा हुनर दिया गया है, हम इस वक्त लाहौर में बैठे हैं और एक अर्बन सेंटर के अंदर, पाकिस्तान के अर्बन सेंटर में बैठे हैं जहाँ पे मुल्क के जहाँ पे प्रॉपर्टी भी महंगी है, घर भी महंगे हैं, अमीर लोग रहते हैं, हम लाहौर में बैठे हैं। अगर आप अभी इस गेट से बाहर चले जाएं और किसी भी अपनी मर्जी के डायरेक्शन में आप 5 मिनट चलना शुरू करते हैं तो आप 10 ऐसे 20 ऐसे लोगों के पास से गुजरेंगे जिनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। किसी की जमीन फंसी हुई है, किसी का बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, किसी की बेटी के साथ ज्यादती हुई है, 50 आपको लोग मिलेंगे इस तरह की जगह पे जहां पे वरना खुशहाली है। इंटीरियर सिंध की तो हम क्या बात करें, रूरल बलोचिस्तान की तो हम क्या बात करें। अगर आप ऐसे मुल्क में रहते हो जहां पे आप कहीं पे भी 5 मिनट चलें और आपको लोगों के साथ ज्यादती मिले और रब ने आपको वो डिग्री वो हुनर दे दिया हो जिससे उनकी तमाम ज्यादतियां ठीक हो सकती हो, तो मेहरबानी करके इसलिए वकालत करें, इसलिए ना करें कि ये बड़ा पेइंग प्रोफेशन है।